हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपके अपने चंडीगढ़ में वैकेंसी निकली है और जिस डिपार्टमेंट में आप लोग की वैकेंसी निकली है वो है पंजाब वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में आप लोग की वैकेंसी निकली है, ठीक है। सो कौन कौन सी पोस्ट है, अलग अलग टाइप की पोस्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली टीचिंग की भी पोस्ट है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी पोस्ट है। सो टीचिंग स्टाफ की भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी पोस्ट है जिसके बारे में बताऊंगा। सैलरी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन कैसे कितनी मांगी है इन्होंने, एज लिमिट कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, वन बाय वन करके हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। सो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। सो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो आपकी वैकेंसी निकली है पंजाब वक्फ बोर्ड चंडीगढ़ में आप लोगों की वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अब कौन कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के बारे में। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है मैथ्स के लिए निकली है और इंग्लिश के लिए निकली है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश, इसमें जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी मास्टर डिग्री मांगी है विद 55% मार्क्स, ठीक है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है मैथ्स में या फिर मास्टर डिग्री है इंग्लिश में विद 55% मार्क्स, तो आप लोग इस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स की पोस्ट है। इसके अलावा भी पोस्ट है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अगर इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद 55% मार्क्स, और जो आपकी मास्टर डिग्री है वो किस में होनी चाहिए, इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो अगली जो पोस्ट है दोस्तों, ये है आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की, मतलब लाइब्रेरियन की पोस्ट। किसकी पोस्ट है आपकी, ये लाइब्रेरियन की पोस्ट है। अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है इन लाइब्रेरी साइंस तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है इन इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए वो विद एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया। तो ऊपर जितनी भी पोस्ट बताई उन सभी की जो एज लिमिट है वो 40 साल से कम है, मतलब मैक्सिमम 40 इयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज 40 साल है या 40 साल से कम है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज में कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन का इन्होंने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर सूटेबिलिटी एज एक्सेस थ्रू शेड्यूल्ड इंटरव्यू सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप लोग का जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर वो इंटरव्यू में ये लोग डिसाइड करेंगे। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में, आपका प्रोबेशन क्या रहेगा और अदर जितनी भी सर्विस कंडीशंस है उसके बारे में। तो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगर आप सिलेक्ट होते हो, आपको जॉब मिलती है, आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो पहले 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड में जो आपकी फ़िक्स सैलरी रहेगी पहले 2 साल, वो आपकी 15,600 रुपये प्लस 6,000 रुपीज़ आप लोग का ग्रेड पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये आपके प्रोबेशन पीरियड में है सैलरी, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स आप लोग की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। सो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको अपने सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्क्स है और जो एक्सपीरियंस है, तो उसके भी सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म और सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स जितनी भी रजिस्टर्ड है वो आपको इनके इस एड्रेस पर सेंड करने हैं। ये जो एड्रेस दिया हुआ है आपको, चंडीगढ़ का एड्रेस जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, इस एड्रेस पर सेंड करना है। और आप ईमेल भी कर सकते हो इनके इस एड्रेस पर, इन ईमेल एड्रेस पर। ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसके अलावा लास्ट डेट क्या अप्लाई करने की, तो इन्होंने बोला है कि जब से एडवर्टाइजमेंट ये रिलीज़ करेंगे उस दिन से लेकर विद इन 30 डेज आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आए हुए लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं,
तो विद इन काफ़ी टाइम है, बट मैं वेट रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप लास्ट डेट का वेट मत करना, ठीक है? और शाम को 5 बजे से पहले पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से पहले पहुँच जाना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के फिर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर लेना, डाउनलोड हो जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है। और कोई डाउट्स वगैरह हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना।